श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध सप्त षष्ठी तमो अध्याय द्विविध का उद्धार। इससे पूर्व के अध्याय में हमने नकली वासुदेव अर्थात करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक एवं उसके मित्र काशीराज के उद्धार के विषय में श्रवण किया। अब आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं हैं। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित द्विविध नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गए। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगा लगा कर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त अर्थात कठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मल मूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता, फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टाने रखकर उनका मोह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही, कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रेवतक पर्वत पर आ गया। वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्ष स्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मदपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियाँ उस वानर की ढिठाई देखकर हंसने लगीं। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मोह बनाता, घुड़कता। वीर श्रोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविध ने उससे अपने को बचा लिया और झटपट कर मधुकलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधुकलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविध बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोध पूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्विविध भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविध का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी।
उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो, परंतु द्विविध ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर से प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविध ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी सतधा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विविध का क्रोध और भी बढ़ गया और वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविध अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश श्रोमणी बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए तथा क्रोध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान अर्थात हंसली पर प्रहार किया। इससे वह बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विविध ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद सप्तषष्टितमो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।